अच्छा मुझे ये बताओ फोन तुम्हारे पास है? नहीं। हाँ। बाद में देखो। मेरा फोन वापस करो। मैंने कहा मेरा फोन निकालो, वापस करो। मुझे अपना फोन कब दिया? मैंने तुम्हें दिया नहीं था, तुमने उठाया है। क्यों उठाऊंगा आपका फोन? ये जब से तुम्हारे पास से उठी है इसका फोन गायब है। मुझे नहीं पता। बैग चेक कराओ अपना। जेबें दिखाओ अपनी। कम ऑन गेट अप। बेच दिया इतनी जल्दी? कितने में? 80,000 का था वो। देखिए आप इल्जाम लगा रही हैं मुझ पे। तो मैं और किसे पकड़ूं? हाँ, क्योंकि जब मैं तुम्हारे बराबर में आकर बैठी थी ना, तो मैंने अपना फोन हमारे बीच में रख दिया था और तुमसे पहले मैं क्लास से उठकर निकल गई थी, बस इतना याद है मुझे। देखो ठीक ठीक से बताओ, मेरे डैडी पुलिस में है। मुझे मेरी माँ की कसम, मुझे नहीं मालूम। 80-85,000 में अगर तुम्हारी माँ मर गई तो उसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? माँ की कोई कीमत नहीं होती है, चाहे वो आपकी माँ हो या मेरी। ये तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? इस कीड़े ने चुरा लिया। जुनैद के पास है, वो पूरा ग्रुप बैठ के तुम्हारी पिक्स और सारी चीजें देख रहा है। क्या यार, मेरा ख्याल था इसके तो कोई 3-4 अफेयर होंगे, पर इसकी तो किसी से भी चैट नहीं है। लड़की प्रैक्टिकल लगती है बॉस, थ्योरी में टाइम वेस्ट नहीं करती। पर कोई ना कोई तो क्लू होना चाहिए ना, प्रैक्टिकल के लिए भी थ्योरी की कुछ लाइंस की जरूरत होती है। लेकिन बाप के अलावा किसी और बंदे का नाम ही नहीं ले रही। उसी की पिक्स, उसी की बात है। चलो मिशु, बोला था ना बॉस लड़की प्रैक्टिकल लगती। शरीफ भाई रोके 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 रोके, पीछे जाए पीछे जाए पीछे जाए और पीछे। बस 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 बस। जमाल
क्या हुआ? कुछ नहीं, वो पेट्रोल खत्म हो गया। शरीफ भाई यहाँ कोई आसपास पेट्रोल पंप है? बस दूर है। नहीं थैंक यू बहन, इतना मैं मैनेज कर लूंगा। सुनो, अच्छा सुनो तो सही, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। चले शरीफ भाई। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.